इंडिया आज तक आपकी आवाज। शहर डीसा में टिकटॉक वीडियो बनाकर आवारा लड़के करते हैं परेशान। डीसा शहर में कॉलेज स्कूल के बाहर आवारा लड़कों का झुंड हमेशा लगा रहता है। आए दिन टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम हो चली है। इस बात की जानकारी कई बार पुलिस थानों में भी दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए, जिससे कि ऐसे आवारा लड़कों के हौसले बुलंद हो गए, जिसके चलते आज तो इन लड़कों ने हद ही कर दी। कुछ अपने मोबाइल से ऐसे वीडियो शूट किए गए जिसमें लड़कियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। कई लोगों द्वारा यह वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके चलते लोगों में काफी आक्रोश नजर आया है। आपको सब लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। डीसा नरेश के जमाना जलेगा ठकर की रिपोर्ट। हम और जलाएंगे, हमारे पहले बहुत दुश्मन थे, हम और बनाएंगे। स्टूडेंट परिषद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, उसके अनुसंधान में आज डीसा में एक आवेदन पत्र देने आए, आज्ञा पत्र देने आए थे, जो हमने SDM साहब को दिया अभी, और उनको बोला है इसके लिए आप जल्दी एक्शन ले रहो और इसमें कुछ भी हो करो। और दूसरी घटना डीसा में हुई गई कल, उसके लिए भी हमने उनका अनुरोध की है कि आप इसमें भी कुछ प्रयत्न करिए, उसको रोकने का प्रयत्न करिए। और हम आज इसके लिए आवेदन पत्र देंगे। आपका नाम? अशोक मोहनलाल खत्री, विश्व उपाध्यक्ष की जवाबदारी। ओके, थैंक यू। मैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद RSS स्वयंसेवक पर हमलो करी एना आखा परिवार की निर्मम हत्या करवामां आवी छे, जेना विरुद्ध में आज विश्व हिंदू परिषद डीसा द्वारा SDM कचेरी में आवेदन पत्र में आपवामां आव्युं छे। अने साथे साथे महामहिम श्री રાષ્ટ્રપતિ સાહેબને પણ નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં આગળ અત્યારે હિન્દુ લઘુમતીમાં મુકાઈ ગયો છે, ત્યારે તેમના ઉપર સતત અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે, તેમના ઉપર આક્રમણો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે એ સરકારને અવગત ચેતન કરે કે હવે પછી આવી જો ઘટનાઓ ઘટશે હિન્દુઓ પર તો ક્યારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે આદેશ ચલાવી નહીં લે। અને સાથે સાથે ગઈકાલે કોલેજની અંદર પણ કેટલાક યુવાનો દ્વારા, વિધર્મીઓ દ્વારા જે છોકરીઓ કોલેજ કરીને બહાર નીકળે છે, કોલેજની બહાર તેમની પાછળ ભાગે છે, પાછળ દોડે છે, જે અમારી પાસે આજે વિડીયો સામેલ છે, એ વિડીયો જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે વિધર્મીઓ હવે ડીસાની અંદર પણ માથું ઉંચકી રહ્યા છે, તો આ ક્યારે સહન કરી નહીં લઈએ અને ક્યારે ચલાવી પણ નહીં લઈએ। એટલે એમને પણ એક ખુલ્લી ચેતવણી છે કે ભવિષ્ય હવે પછીથી, આજ પછીથી કોઈ પણ દિવસ હિન્દુની છોકરી પાછળ જો આ પ્રકારના તમારા વલણો રહેશે તો અમે ક્યારેય ચલાવી નહીં લો, અને પરિણામ ભોગવવા માટે તમે તૈયાર રહેજો। ભલે આ ડીસા ભડકે પડશે તેના માટે પણ અમે જવાબદાર છીએ, અને અમે જવાબદાર રહીશું, અને તમે પણ એટલાનાથી વધુ જવાબદાર હશો, કારણ કે અમે હવે ક્યારેય આ વસ્તુ ચલાવી લેવા માગતા નથી, ક્યારેય ચલાવી પણ નહીં લઈશું, એમના માટે ખુલ્લી ચીમકી છે। આપનું નામ? મારું નામ જયેશભાઈ દેસાઈ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ડીસા પ્રખંડ પ્રમુખની જવાબદારી છે। कचहरी में क्यों उपस्थित हुए? अभी दो दिन पहले डीसा जो कॉलेज है DNB आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के बाहर तीन असामाजिक तत्वों ने जो रैंक के नाम पे जो हरकत की है, जो वीडियो बनाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने लड़कियों को परेशान करने की जो जरूरत की, उनके विरोध में हम आज SDM कचहरी में आवेदन देने आए हैं। आप कौन सी संस्था से हैं? हम डीसा NSA के।